हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे इग्वाना को प्रॉपर वे में कैसे पेट करना है। कैसे भी पेट करके नहीं चलेगा, आपको एक प्रॉपर वे में उसको पेट करना चाहिए, नहीं तो वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा या फिर उसे अच्छा फील नहीं होगा, इरिटेशन फील होगा, वो आपके हाथ में ज़्यादा देर नहीं बैठेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से पेट करना चाहिए और किस कैसे आपको उन्हें पेट नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उसको एक खाने को कुछ देता हूं। तो क्या होता है, प्रॉपर वे आपके इग्वाना को पेट करने का, तो आपको ऊपर से नीचे जाना है इस तरह से। ये है प्रॉपर वे पेट करने का। ये जो स्पाइक्स होती है उसकी दबानी नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पे पेट करना है जहाँ पे उनको पसंद आता है पेट करना। दूसरी जगह है ये उनके जो कान होते हैं वहाँ पे धीरे धीरे पेट करना है। अभी वो खाने में बिजी है तो उसे खाना चाहिए। और ये जो जगह होती है कान की, तो वहाँ पे बहुत ही आराम से आपको पेट करना है, दबाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बस एक छोटा सा पर्दा होता है, तो आपको केयरफुली उसे पेट करना है उस जगह पे, या फिर जो उसका ये जो शील्ड होता है यहाँ का, यहाँ पे पेट करना है कुछ इस तरह से। तो देखिए आंखें बंद कर रहा है। तो ये होता है प्रॉपर पेट करना, उसको हाथ लगाना। और ये जो यहाँ पे जो स्पाइक्स होते हैं, यहाँ के जो कांटे होते हैं, वहाँ पे भी अगर आप उसे पेट करोगे तो उसे वहाँ पे भी पसंद आता है। ये जो उसका जो पैरेटल आई होता है, देखिए आंखें बंद कर दी, तो वहाँ पे भी उन्हें पेट करना पसंद होता है, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी वो शेड करते हैं तभी भी उनको जो पेट जहाँ पे उनका जो शेड निकल रहा है वहाँ पे अगर हम स्क्रैच करेंगे हाथों से ऊपर के धीरे धीरे लाइटली, तो उनको बहुत पसंद आता है और वो बॉडी उठाते हैं या फिर उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। तो आपको कहा और यहाँ पे ये पार्ट होता है टेल का पार्ट, वहाँ पे पेट करने से ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और कभी कभी भागने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है, अभी इसको भी आदत हो गई है, क्योंकि मैं इसके पूरे बॉडी पे हाथ घुमाता रहता हूँ, टच करता रहता हूँ, तो उसको आदत हो गई है। तो आपको किस तरह से पेट नहीं करना है, दबा दबा के नहीं पेट करना है, कैसे भी कंटिन्यूसली उसके मुँह पर ऐसे ऐसे करके पेट नहीं करना है, उसको उल्टा पेट नहीं करना है। ये जो है उल्टा हाथ कभी भी नहीं घुमाना है, क्योंकि उनके स्केल्स होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ऐसे पेट करोगे तो ये स्मूथली हाथ आपका नीचे जाएगा, लेकिन आप उल्टा करोगे तो उनको हर्ट होता है, उनकी जो स्केल्स होती है वो उल्टी घूमने लगती है और उनको हर्ट होता है, तो वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको पेट नहीं करने देंगे। तो आपको उन्हें खुश करना है, पेट करना मतलब उन्हें खुश करना है, ताकि वो आपको हाथ लगाने दें। तो ये तरीके हैं आपको पूरे बॉडी पे फीड करते टाइम, देखिए अभी मैं भी फीड कर रहा हूँ तो चुपचाप ये करने दे रहा है मुझे, पेट करने दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको खिलाते हो तो उसको आदत लगती है, उसको पता है कि अभी खाना मिलने के बाद। और एक एडवांटेज ये होता है कि खाना खाते टाइम वो अटैक नहीं करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभी, ये तो उसको तो आदत हो गई है, लेकिन आप भी आपके इग्वाना के साथ ये ट्राई कर सकते हो और उसको कुछ ना कुछ खिला के आप उसे पिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको उल्टा कभी भी उसके स्पाइस के ऊपर से, ना उसके स्केल्स के ऊपर से, ना उसके टेल के ऊपर आपको उल्टा पेट करना है। मैंने कम्फर्टेबल जहाँ पर उसे अच्छा लगता है वो पॉइंट्स बता दिए हैं। आप ये भी पॉइंट्स ये देखिए, वो खाते खाते भी आंखें बंद करेगा,
तो अभी मैं ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन ये जो पॉइंट्स है वहाँ पे उन्हें पेट करना बहुत पसंद होता है। आप आते जाते उनके टेल के साथ लाइटली हाथ घुमाते रहे ताकि जो टेल डिटैच करते हैं वो रिस्क निकल जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलती से अगर हम उनकी टेल पकड़ लेंगे तो वो डिटैच कर सकता है। तो आपको पेट करते टाइम उसके पूरे बॉडी पे धीरे 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 हाथ घुमाना है ताकि उनको आदत हो। और टेल जो डिटैच का मैंने बताया कि टेल डिटैच कर देते हैं डर के, तो उसकी जो टेंशन है वो निकल जाएगी। आपको उसको टच करते रहना है उसके टेल के ऊपर, उसके जो पैरों के बीच में ये जो पार्ट होता है ये देखिए कंफर्टेबल नहीं लगता है उन्हें, तो यहाँ पे कभी कभी कभार आपको टच करना है, लेकिन टच करना है क्योंकि वो फ्रिक आउट होते हैं, देखिए अलर्ट हो जाते हैं, तो आपको टच करते रहना है, कभी कभार तो टच करना ही है। तो देखिए, तो ये तरीका है आपके इग्वाना को पेट करने का। तो टीरेक्स तो अभी बिजी है खाना खाने में, तो जितना हो सके जितना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी आपको टच करना है, जहाँ जैसे प्रॉपर तरीका है पेट करने का वो मैंने इस वीडियो में बताया है। फोर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, कंफर्टेबली एकदम हल्के उंगली से या फिर हल्के हाथ से आपको पेट करना है, जिससे कि उसको भी कंफर्टेबल फील हो, ना कि इरिटेशन हो। तो एकदम हल्के हाथों से, ये देखिए आँखें बंद कर देगा, तो एकदम हल्के हाथों से पेट करें ताकि उसको भी अच्छा लगना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अन्याय हो रहा है या फिर कोई टॉर्चर हो रहा है ऐसे फील होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।